जय माता जी। आज है नवरात्र का छठा दिन और मैंने ये नीचे कवर्ड खोल के इतनी सारी चीज़ें निकाल ली क्योंकि मैं डेली डिस्टर्ब हो रही थी। जब पूजा करना होता था तो कुछ चीज़ें इधर उधर रहती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले नीचे ही समेट दूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं जो कि इकट्ठा होती रहती हैं। मैं उसको एक छोटे से बक्से में रख देती हूँ जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, तो आज मैं सबसे पहले वही कर रही हूँ। और अभी मैंने आपको दिखाया राधे एंड ओम और त्रिशूल का, वो मैं बनारस से लेके आई थी, जो कि आप चंदन उससे लगाइए। तो मेरे हस्बैंड को ज़्यादा शौक है इन सब चीज़ों का, तो वो लगाते हैं, यूज़ करते हैं सब। मैं इकट्ठे ढंग से एक जगह रख दूँगी और मैं भगवान की छोटी छोटी आँख लाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जो भी पूजा के सामान ख़त्म हो गए वो मैं पहले से ला के रख दूँ, क्योंकि जब मैं पूजा करने बैठूँ या कभी घर में हवन हो या कोई भी पूजा हो तो हर चीज़ हमारे पास पहले से हो। तो अगर कपूर ख़त्म हो जाता है या रूरी एंड सिंदूर कुछ भी ख़त्म हो, तो उसके ख़त्म होने के तुरंत बाद मैं उसको ला के रख देती हूँ और मैं चेक करती रहती हूँ कि कोई क्या चीज़ ख़त्म हुई क्या चीज़ नहीं ख़त्म हुई है। तो एक दिन मैं करती हूँ ये सब काम, तो आज मैंने वो काम किया है। मैं फटाफट हर चीज़ खाली कर रही हूँ, जगह बना रही हूँ, जो गंदी चीज़ें उनको हटा रही हूँ और सिरवाने वाली चीज़ों को मैं। वाह सिरवाने में डाल दूंगी, एक जगह सारी चीज़ें रहती है और आप चेक करते रहिए तो बहुत आसान रहता है, बहुत आराम रहता है। और ये मैं लेके आई थी रुई, तो उसको भी मैं एक डिब्बे में रख रही हूँ। मैं बत्ती खुद बनाती हूँ, रुई की बत्ती, तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि मैं बत्ती कैसे बनाती हूँ। और ये छोटी छोटी आँख है भगवान जी के, तो उसके साथ ग्लू मिलता है तो उसके साथ मैं उसको रख दे रही हूँ। और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं समेटने में, मुझे पूरा 1 से 1.5 घंटा लग गया था। ये लाल तूल का कपड़ा है, एस्टर रहता है, तो मैं उसको बिछा देती हूँ। आप चाहिए तो न्यूज़पेपर बिछाइए। परी नहा धो के रेडी हो के आ गई और मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। वो इतनी सारी चीज़ें देख के परेशान थी कि मम्मा मुझे बेड से उतार दे और मैं बड़ी मम्मी को जाके परेशान करूं। और वो आई, उसको एक एक चीज़ उठा उठा के फेंकना है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी वो। अब सारे डिब्बे को मैं सेट कर दूंगी और जो डिब्बा एक्स्ट्रा होती है मैं उसको छोटे से एक बक्से में रख देती हूँ। ये छोटा सा बक्सा मेरी मम्मी जी के टाइम का पुराना बक्सा है, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैंने इस छोटे से बक्से में रख दी। जब पूजा होती है या करवा चौथ के इन सब चीज़ों की बुक्स वुक्स सब कुछ मैं इसमें रख देती हूँ। ये छोटा सा डस्टबिन मैंने भगवान जी के कवर्ड के ऊपर मैं रखती हूँ, धूल धूप की धूल रहती है या एक्स्ट्रा जो फूल माला होता है तो मैं इसमें डस्टबिन में डालती हूँ और जब सिरवाया जाता है तब मैं इससे निकाल लेती हूँ। और देख रहे हैं आप कितनी सारी चीज़ें सिरवाने के लिए मैंने निकाल ली है। और ये मेरी अलमारी हो गई है क्लीन, मैंने कितनी सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी और परी खेल रही थी हर चीज़ों से। आज मैं बनाने वाली हूँ न्यू रेसिपी, तो बस मैं पहले बनाऊँगी पालक के पराठे एंड हरियाली पनीर बनाऊँगी।
पनीर की सब्जी मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ और बहुत ही टेस्टी यमी बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस ये मैं पालक कट कर रही हूँ, ये 100 ग्राम पालक, पालक की ही मैं बनाऊँगी। और उसमें सबसे कम मैं यूज करूँगी आटा, सिंघाड़े का आटा मैं कम से कम यूज करती हूँ। बस इतने पालक में मैं एक ही पराठा, बचे हुए हुए पालक को मैं एक कॉटन के कपड़े में मोड़ के रख दूंगी। बस आप पालक जब भी लाइए उसको धुलिए नहीं, ऐसे ही कपड़े में फोल्ड करके रखिए, आपका पालक वैसे का वैसा ही होता है। तो अब ये पालक मैं कल यूज करूंगी या परसों यूज करूंगी, मेरा पालक वैसे ही फ्रेश रहेगा। तो आप पालक को या धनिए को इस तरह सेफ्टी से रख सकते हैं, वो हरा का हरा बना रहता है और सड़ता बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अब धुलिएगा नहीं। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च कट करके, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च डाल सकते हैं। बहुत लोग को पसंद आता है, बहुत लोग को कम पसंद आता है, बट मुझे पसंद आता है इसलिए मैं डालती हूँ। अब मैंने इसको वॉश कर लिया है, अच्छी तरीके से वॉश कर लिया, इसमें मैंने डाला सेंधा नमक। अब मैं इसमें डालूँगी सिंघाड़े का आटा, और बहुत ज़्यादा आटा नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सिंघाड़े का आटा नहीं यूज करना। इसको मैं अच्छी तरह सान लूँगी जब तक कि मेरा पालक अच्छे से मैश ना हो जाए। आप देखिए, मेरा पालक अच्छे से मैश हो गया है, तो मैंने इसको ढाल दिया। अब इसको फ्राई पैन में हाथ की हेल्प से डाला है क्योंकि ये गीला था, और इसको धीमी आंच पे मैं रख दूंगी। फ्राई पैन में मैंने देसी घी लगाया था हल्का सा, और जब भी बनाइए आप फ्राई पैन में बनाइए, ईजिली ये निकल जाता है। अब ये धीमी आंच में बनेगा और मैं वेट करूंगी, फटाफट इसको पलटूंगी नहीं क्योंकि इसको टूट सकता है, इसलिए मैं 5 मिनट के बाद ही मैं इसको पलटूंगी। अब मैं पनीर की सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, मैं हरियाली पनीर बनाऊँगी, जिसके लिए मैं उसमें पीसूँगी चटनी, जो कि मेरी देवरानी तैयारी कर रही है हरी चटनी की। और पूरे पनीर का मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि मुझे अकेले ही खाना है, तो मैं 100 ग्राम पनीर का ही बनाऊँगी। चटनी में हमने डाला है धनिया, मिर्चा, जीरा, नमक और इमली, जो कि इमली का पल्प मैंने भिगो दिया था, तो ये चटनी बन जाएगी। इसी चटनी की मैं बनाऊंगी सब्जी, और सब्जी में मैं एक चीज़ और डालूंगी, तो इसके लिए आप मेरा वीडियो देखिए मैं आगे क्या डालती हूँ सब्जी में। और ये सब्जी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनी थी। मेरे पराठा भी धीमी आंच में बना, और हाँ, इस पराठे में टाइम लगता है क्योंकि पालक होता है वो पानी छोड़ता है, इसलिए आप बहुत पेशेंस रखिएगा, बहुत आराम से पराठा बनाइएगा। बहुत अच्छा बना था और बहुत ज़्यादा हेल्दी ये पराठा, तो मेरा पराठा बन गया था। उसके बाद मैं बनाने जा रही थी सब्जी, और सब्जी भी मेरी बहुत जल्दी बन गई थी हरी सब्जी, जिसके लिए मैंने फ्राई पैन में डाला है देसी घी। अब मैं इसमें डालूँगी जीरा, और उसके बाद मैंने व्रत वाला जो मसाला बनाया वो मैंने इसमें डाल दिया है। ये मैंने आधी कटोरी इसमें डाल दी दही। इस दही जब अच्छे से पक जाए उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सेंधा नमक,
और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि चटनी में भी नमक पड़ा है इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। अब हरियाली पनीर बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी धनिए की चटनी, जो कि सब्जी को और भी टेस्टी कर देगा, और ये सब्ज़ी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बहुत अच्छा बना था। अगर आप लोग को और खट्टा चाहिए होगा तो आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, बट मैंने लेमन नहीं डाला था। जब ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी उसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर, और पनीर डालने के बाद इसको हम 2 से 4 मिनट पकाएंगे तो मेरी सब्ज़ी बन के हो जाएगी रेडी। और पालक की सब्जी पराठे के साथ ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लग रही थी। तो बस मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, तो एक पराठा और ये सब्ज़ी मैं खाऊंगी। और इधर सबके लिए हम लोग ने चिप्स तला है, तो बच्चे चिप्स एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को शाम को मैं चाय नहीं देती हूँ, तो कोशिश करती हूँ चाय कम से कम दूँ, तो बच्चे सिर्फ चिप्स खा रहे थे एंड मौसी जी चाय पी रही थी। और व्रत में मैं जो कुछ भी बना रही हूँ मौसी जी ज़रूर टेस्ट करती हैं कि तुमने क्या बनाया है, तो सबसे पहले मैं मौसी जी को देती हूँ, और मौसी जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मौसी जी जब से आई हैं पुरानी मूवी लगाती हैं, तो मैं भी मम्मी के साथ पहले मैंने देखी थी वो मूवी, तो मैं मौसी जी के साथ बैठ के मूवी एंजॉय करती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मौसी जी से बातें करते हैं। जब कोई बड़ा आपके घर आता है आप बातें कीजिए, पुरानी पुरानी बातें कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। जब से मौसी जी आई हैं अच्छा लग रहा है, घर में एक रौनक सी हो गई है। उसके बाद हम लोग अपनी चाय, मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं था, बट मेरी देवरानी ने थोड़ा सा मुझे चाय दे दिया, तो उसके साथ मैं चाय भी ले रही हूँ। और आप पनीर खाइए एंड पालक, ये सब से मेरा पेट अच्छे से भर जाता है, हैवी होता है, हाई प्रोटीन होता है, और पालक आप जितना खाएंगे आपको वेट लूज़ करने में उतना ही हेल्प मिलेगा। बच्चे भी पुरानी मूवी देख रहे हैं मौसी जी के साथ और कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि पहले की मूवी में जो फाइटिंग सीन होता था तो बच्चे उसको कॉमेडी समझ के मौसी जी को चिढ़ाते रहते हैं। तो बस आज मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और आप मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय।